नमस्ते, अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका परिहार अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मटर पनीर की सब्जी बताने जा रही हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में है। आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपके घर में सारे घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये सारी सामग्री है, ये प्याज है दो मीडियम साइज में, जो मैंने स्लाइस में काट के आपको इस स्लाइस से काट के रखनी है। ये कुछ लहसुन की कलियां हैं, ये दो टमाटर हैं जिनको मैंने काट लिया है, दो या तीन टुकड़े अदरक के हैं और कुछ मैंने काजू लिए हैं। तो एक सामग्री हमारी ये हो गई। दूसरे ये मसाले हैं हमारे, जिसमें मैंने ये प्याज, एक गांठ प्याज है जो मीडियम साइज की है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और ये जीरा है, हल्दी है, गरम मसाला है जो मैंने घर में बनाया हुआ है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, ये कसूरी मेथी है और नमक है, और ये मेरा मटर और पनीर है। ये पनीर 200 ग्राम के करीब है। ये मटर है जो 250 ग्राम के करीब मटर है, जिसको मैंने 5 से 6 मिनट के लिए उबाल लिया है। और चलिए चालू करते हैं रेसिपी। पहले गैस ओपन करिए। गैस को, कढ़ाई को पोंछ लीजिए। पानी नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा भी पानी रहा तो तेल डालने से उसमें आवाज होगी। अब हम इसमें 2 से 3 स्पून के करीब तेल डालेंगे। मतलब 3 स्पून कौन से, हमारे राइस खाने वाले नहीं, जो हमारे चमचे के होते हैं, तो वो 2 चमचे के करीब, छोटा वाला चमचा है उसके करीब हम तेल डालेंगे, ये वाला चमचा। तो अभी तेल गरम होने देते हैं। देखिए हमारा तेल भी गरम हो गया है। अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी, इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। ये थोड़े मैंने पतले स्लाइस नहीं काटे हैं, क्योंकि हमको इसका पेस्ट बनाना है, तो थोड़ा मोटा रहेगा तो चलेगा। आप क्यूब में भी काट के डाल सकते हैं। हल्का सा ब्राउन, हल्का ब्राउन मतलब बिल्कुल हल्का सा, थोड़ा सा कलर चेंज होए, फिर हम इसमें लहसुन की कलियां, काजू और अदरक डालेंगे। ये प्याज का कलर भी देखिए हल्का सा हो गया है। तो अभी हम इसमें लहसुन की कलियां डाल देंगे, इनको भूनने देते हैं। अदरक के टुकड़े भी हम साथ में डाल देंगे, थोड़ा सा इनको हल्का भूनने देते हैं। अब हमारे थोड़ा सा ये लहसुन वहसुन भी भूनने के लिए आ गया, तो अभी ये काजू हैं तो काजू डाल देती हूँ मैं, इनको भी मैं भूनने देती हूँ और हल्का ब्राउन होने देती हूँ। प्याज को, लहसुन है, अदरक है और ये काजू है, तो इनको मैं हल्का सा ब्राउन होने देती हूँ। देखिए अब ये हमारा ब्राउन हो गया है हल्का सा। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी, ये 2 टमाटर जो काट के रखे थे मैंने मीडियम साइज में, ये डाल देंगे। और इसको पकाने के लिए मैं क्या करूँगी, 1 चम्मच के करीब नमक डाल दूंगी। इससे क्या है कि टमाटर बहुत जल्दी पक जाते हैं, और मैं मिक्स कर दूंगी। मिक्स करके धीमी आंच पे इसको मैं ढक दूंगी, ताकि हमारे टमाटर थोड़ा जल्दी पक जाए। ये मैं ढक, और टमाटर हमारे जल्दी पक जाएंगे। ये हमारे टमाटर पक गए हैं। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। इस तरीके से हमारा फाइन पेस्ट बनना चाहिए। अब हम गैस चालू करते हैं और उसी कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, जो कढ़ाई में हमने मसाला फ्राई किया था उसी कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे, और इसी चमचे के मेजरमेंट से हम तेल डालेंगे इसमें। तो 2 चमचे तेल डालना है हमको। अब ये तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1/2 स्पून के करीब जीरा डाल देंगे। जीरा जैसे ही हमारा हल्का सा ब्राउन होने लगे,
उसके बाद इसमें हम बारीक कटी हुई जो प्याज हमारी है वो डालेंगे। चलिए ये हमारी बारीक कटी हुई प्याज है जो मैंने बारीक करके रखी थी पहले से, और इसको हम धीमी आंच पे भूनेंगे, इसको ब्राउन करेंगे हम इस प्याज को, धीमी आंच पे ब्राउन कर लेंगे इसे। ये देखो प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे 1 से 1.5 स्पून के करीब, और उसे मिक्स करेंगे। जब तक हमारा धनिया पाउडर भूंजेगा 1/2 स्पून हम हल्दी डालेंगे, उसे भी मिक्स करेंगे। 2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, मिर्च आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे। याद रखिएगा नमक हमने पेस्ट बनाने के लिए भी पहले डाला था, तो नमक भी उसी हिसाब से डालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। अब हम जो पेस्ट हमने बना लिया था वो पेस्ट डालेंगे। इस तरीके से सब्जी बनाएंगे तो घर वालों को बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए ये पेस्ट हमने डाल दिया है, इसको मिक्स करेंगे और धीमी आंच पे इसको भूनने देंगे। देखिए सब मसाले का कलर कितना अच्छा आया है धीमी आंच पे। अगर आप मसाला भूनेंगे तो उसका कलर भी अच्छा आएगा, अच्छे से पक भी जाएगा, और सब तरह से देखिए मसाले ने तेल भी कढ़ाई में छोड़ दिया है। ये देखिए ये मसाला, आप देखिए हमारा मसाला एकदम तैयार हो गया है, और कलर कितना अच्छा आया है मसाले का। देखिए धीमी आंच पे मसाला भूनेंगे तो कलर हमेशा मसाले का बहुत अच्छा आएगा। अब मैं 1/2 स्पून के करीब ये गरम मसाला डाल दूंगी इसमें और मिक्स कर दूंगी। ऐसे सब्जी बनाने से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब मैं इसमें जो हमने मटर बॉईल करके रख ली थी वो डालूंगी। ये देखिए मटर है और ये पनीर, अब मैं ये पनीर भी इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको मैं मिक्स कर दूंगी। मिक्स करके करीब कम से कम मैं इसे 5 से 6 मिनट धीमी आंच पे पकाऊंगी। ये देखिए ये सब्जी हमारी मिक्स हो गई है। अब मैं इसको ढक दूंगी और धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट पकाऊंगी। अब हम इसमें हल्का सा पानी, आप चाहें तो पानी ऐड कर सकते हैं ताकि थोड़ा भरा पनीर और मटर अच्छे से पक जाए, और थोड़ा अगर रसे का बनाना चाहते हैं तो पानी और थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा कम ही पानी ऐड करूंगी। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है हमारी सब्जी का, एकदम लग रही है ना रेस्टोरेंट स्टाइल वाली सब्जी। ये मैंने पानी डाल दिया है और अभी मैं इसको पकने देती हूँ, धीमी आंच पे ढक देती हूँ। ये देखिए ये सब्जी हमारी पक गई है। अब हम इसमें एक और सामग्री डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी आप अपनी हथेली पे रगड़ के डालें तो ज़्यादा अच्छी उसकी खुशबू आएगी और उसका स्वाद भी सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए कसूरी मेथी डाल दी हमने, और अभी इसको 1 मिनट के लिए और पका लीजिए, तो जिससे कि सब्जी की मेथी उसमें पक जाएगी और खुशबू भी अच्छे से आएगी। ये देखिए बन गई ना सब्जी हमारी, कसूरी मेथी भी पक गई है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम डाल देंगे जो कि मैंने बारीक काट के रख लिया था। चलिए लीजिए ये हमारी सब्जी पक गई है और हम इसको मिक्स कर देंगे। अभी हम इसको प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए मैंने ये सब्जी प्लेट में निकाल ली है। देखिए लग रही है ना रेस्टोरेंट स्टाइल में सब्जी, मस्त बनी है ना। तो आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई कीजिए और अपने
घर में खिलाइए सबको बना के, बहुत अच्छी लगेगी। इस तरीके से अगर मटर पनीर की सब्जी बनाएंगे तो सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर कोई दूसरी रेसिपी आपको जाननी है तो उसके लिए भी मुझे एडवाइस दीजिए कि हमें ये रेसिपी देखनी है, तो मैं आपको वो रेसिपी बना के जरूर ट्राई करूंगी। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।